नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आओ समाचार विस्तार से। मधेश प्रदेश सभा रवि दिन छठम वार्षिक उत्सव मनौने छे। मधेश प्रदेश सभा विभिन्न कार्यक्रम क वार्षिक उत्सव मनौने छे। रवि दिन प्रदेश सभा के प्रांगण में भेल सभा में मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र सहित सबके सपना पूरा क संहिता बचाओल जेबाक बतौलन। शहीद को बारे में, संहिता को बारे में रही कुरा को एक कुरा भन्ना चाहूँ। एक प्रदेश संहिता को जननी हो, यही प्रदेश बाट संहिता आएको हो। अब इसका जोगाने के जोगाने दायित्व हमीर को सब इसको एवटे बात हो। शहीद जो बलिदान पूरा दिए को उसको कहीं चाहना थी होगा तो चाहना पूरा कर कसरी खत्म करना सकते संहिता। यह प्रदेश आयो देखी हो तीन साल देखी राणा को काल देखी बलिदान को देश हो। आपने चाहकर में बलिदान दीने शहीद होने को मातृभूमि हो एक प्रदेश। इसमें तीन साल में हो, 17 साल में हो यही प्रदेश में दुर्गानंदा केशव कोराला जन्म को यही प्रदेश में सरोज कोराला अन्य शहीद को ये आप एटा सिद्धांत को लगी मर्मित प्रदेश हो। ये प्रदेश माता अब संहिता जाने पूरे छेन बलू बचाने को लगी एवटे मुख्य उद्देश्य एवटे मुख्य कारण हो कि कारण हमें पूरा करो संहिता विकास हमी विकास को संहिता कसरी खत्म होना सकते विश्वास भैर आगामी दिन में मैं विश्वास है। मैं बड़ी भन्न चाहे भन्ने अधिकार मैं एक कुरा भू सब को साथ सब को विश्वास विकास को तरफ अवसर हो। अभी मुख्यमंत्री जी भन्न मिटो यदि विकास में देखा दी मैं विश्वास यंग एक्टिव मुख्यमंत्री मंत्री जी इन विकास यह प्रदेश का 16 को चिड़िया बनाने वहां को कल्पना तो बन स आज बनो भोली बनो यही सर अंत में ये प्रदेश ये कार्यक्रम सफल हो इसको धन्यवाद दीजिए। मैं समाप्त करूँ। तहिना मधेश प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल शहीद देखने सपना पूरा कर प्रदेश सरकार लागल जेबाक बतौलन। प्राप्त गरेका छौ यो सम्पूर्ण चीजमा चाहिँ तपाईको बलिदानी भएको छ र इतिहासका रचयिता इतिहासका निर्माणकर्ता सहाय शहीदहरू छन्। ती शहीदहरूका सपनाहरू हामी हाम्रो काँधमा छ। त्यो काँधमा चाहिँ भएको सपनालाई हामीले जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले निर्वाह गर्ने काम गर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँका आउँदा सन्ततिले पनि आउँदा पुर्खाले पनि आउँदा चाहिँ सन्ततिले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा उपहारको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी बोधको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्नेछ र सबैले चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन व्यवहारमा यसलाई अनुसरण गर्ने हो र त्यो जेनेरेसनले फेरि नयाँ पुस्ताको लागि चाहिँ तपाईँको केही न केही गर्ने एउटा ढोको राख्छ। हाम्रा शहीदहरू हामी भन्छौँ शहीदहरू चाहिँ बिते तर उनले सोचेका रुलहरू उनले सोचेका विधिहरू उनले सोचेका कानुनहरू अहिले हामी चाहिँ प्रतिपादन गर्दैछौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको त्यस कारण चाहिँ तपाईँको शहीदका सपनाहरू पुरा भएका छन्। प्रतिक्रियावादी सत्ताहरू चाहिँ ध्वस्त भएका छन्, प्रतिक्रियावादी कानुनहरू चाहिँ ध्वस्त भएका छन्। हाम्रो मानस पटलमा भएका चाहिँ तपाईँको ती प्रवृत्तिहरू जो त्यसले निरन्तरता पाउँदैछन् त्यसले चाहिँ अब एउटा जिनको रूपमा काम गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। यो मेरो निवेदन छ। हामीले चाहिँ स्वाभिमानका साथ सम्मानका साथ संहितालाई स्वीकार गरौँ, संहितालाई एक्सेप्ट गरौँ, यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने कोसिस गरौँ। यही निवेदन गर्दै आजको यो चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव संहिता के भावना अनुसार अधिकार प्राप्ति के लिए लगातार संघ सरकार के अपना सब दबाव दैत आयल रहल बतौलन।
यो भन्दा अगाडिको सरकारमा पनि र अहिलेको सरकारमा पनि एकजुट भएर नै हामी संघ सरकारबाट लडेका हौँ र एक वर्षमा एउटा चिठी दिएर हुँदैन हाम्रो मान्यजीमा त्यस्तो कुरा होइन हामीले एक वर्षमा पनि धेरैचोटि मौखिक कुरा गरेको संघ सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रीसँग सम्बोधन गर्थ्यौँ किनभने साझा सरकार त्यो बेला एमालेसँग हुँदा पनि कुरा गरेको हो अहिले काङ्ग्रेससँग हुँदा पनि हामीले पनि गरेको हो अनि प्रधानमन्त्रीजीको सधैँ आश्वासन अब एक महिनामा गरिदिन्छु त आउने पन्ध्र दिनमा गरिदिन्छु गर्दा गर्दै बाध्य भएर हामीले एकचोटि ध्यान आकर्षण पत्र गएर दिउँ सबै दलका सहमतिबाट पनि अनि फेरि उहाँले समय दिनुभयो एक महिनाको एक महिनामा केही भएन त्यसपछि हामी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर फेरि सबै दलका नेतालाई दिएर आयौँ अनि त्यहाँ पनि आश्वासन आयो कि ल तपाईँहरू एक महिना अरू पर्खनुहोस् हामी चाँडै गरिदिन्छौँ तेस्रो पटक फेरि हामी सातै मुख्यमन्त्रीले हेटवाडामा पनि बैठक गऱ्यौँ फेरि त्यहाँबाट पनि गयौँ अनि उहाँलाई फेरि सातै मुख्यमन्त्रीले निर्णय जब दिएपछि अहिले 24 गते डाक्नु भएको छ फेरि हाम्रो अन्तर प्रदेशको बैठक यहीँ 24 गते तर एउटा खुसीको पनि कुरा छ प्रधानमन्त्रीजीले सक्रिय भएर संहिता कार्यान्वयनप्रति उहाँ लाग्नुभएको छ पुलिस संयोजनमा पनि काम उहाँ भइरहेको छ कर्मचारी संयोजनमा पनि काम भइरहेको छ चाँडै समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्ण यादव संहिताके बदनाम गरस्यो विभिन्न किसिमके षड्यन्त्र भए रहल बतौलनि ओ मधेस प्रदेशमे कर्मचारी बैस नै मानि रहल उपराग कयलनि आज तपाईँहरू पनि बुझ्नु भएको छ म पहिला धेरै बुझेको थिएन जिम्मेवारीमा आएपछि म पनि बुझेको छु यहाँ हामी कहाँ कोही कर्मचारी बस्नै मान्दैन आउनै मान्दैन आयो भने बस्नै मान्दैन बस्न खोज्यो भने माथिले कुनबाट तान्दिन्छ ठेगान हुँदैन भर्खर मेरै मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा ट्रेकमा गइसकेका थियौँ दिनरात काम गरिरहेका थियौँ मेरो मन्त्रालयको सचिवले इमान्दारीपूर्वक समयलाई नहेरिकन बिहानदेखि बेलुका जति सम्भव हुन्छ काम बेचेर गरिराख्नु भएको थियो कुन बेला सरुवा गरिदियो ठेगान छैन त्यो पनि व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थको लागि माथिबाट सरुवा गरिदिया रहेछ यस्तो परिस्थितिमा हामी यो मधेस प्रदेशमा छौँ यो हाम्रो लागि चुनौती हो हामी यसलाई चुनौतीको रूपमा लिन चाहन्छौँ हामी चुनौतीको रूपमा लिएन भने निश्चित रूपले भने हामी असफल हुन्छौँ अहिले विगतका धेरै कुराहरू समारोहमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द नेपानी मधेस प्रदेश र अरू प्रदेश सेहो शिखल जेबाक बतौलनि धर्मनिरपेक्ष यो देशलाई समावेशी बनाउने जो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ हामीले त्यसलाई बोकेर लैजाने कुरो हो यही कारणमा बेला बेलामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ बेला बेलामा हाम्रो राजनीतिमा काला बादलहरू मरिआए मरिआउँदैछ बढिरहेछन् कहिले कहिले यो हुन्छ समाजमा अग्रगमन तर धेरै मान्छेहरूले पनि प्रतिगमन गर्दै पनि तत्त्व वर्तमानमा हुन्छ हरेक समाजमा हुन्छ हामी यहाँ पनि थियो हिजो तपाईँहरूलाई थाहा होला विभिन्न क्रान्तिकारी भन्ने पार्टीले यो देशको संसदमा विघटन गरेर संसदीय व्यवस्थालाई मैले एउटा संविधान विपरीत गर्दा एक खालको त्यो बेलामा यो सङ्घलाई नै एउटा आघात पुर्याउने पनि बखत थियो त्यो बेला हामीहरूले हाम्रो पार्टीले हामीले विद्रोह गरेर यो देशको संहिता लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई थापी गर्न हामीले विद्रोह गरेर एउटा पार्टी गर्नुभयो त्यो तपाईँहरूको समक्ष तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ त्यो मलाई हेर्नु भएको होला छनाखनको संसदले विघटन गरिनन्
छनाखना को काम गरिरहेकोलाई डिस्टर्ब गर्ने कामहरु भयो जसको लागि हामी बाध्यात्मक रूपले अर्को पार्टी खोल्नु। समारोहमै नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता दिपेन्द्र ठाकुर, सांसद माला कुमारी कर्ण, उपेन्द्र महतो लगायत धारणा राख्ने छन्। ओही क्रममा वार्षिक उत्सवकै अवसरमा कयल गेल कार्यक्रमकै विषयमा सांसद कञ्चन बिच्छा जानकारी देने छलै थियो। यो छैठौँ वर्ष थियो, छैठौँ मधेस प्रदेश छैठौँ वार्षिक उत्सव र पहिला पनि हामी इभेन्टहरू मनाउँथ्यौँ तर आफ्नै मान्ने र सचिवालयको कर्मचारीबीच अहिले चाहिँ हामी केही चेन्जेस गरेका छौँ। अहिले सभामुख क्रिकेट क्लब गऱ्यौँ, प्रदेश स्तरीय 8 जिल्लाको खेलाडीलाई पनि समावेश गराएर उहाँहरूको ऊर्जा पनि बढायौँ। 13 गते उद्घाटन गऱ्यो, 20 गते समापन गरेर उत्कृष्टलाई 1,51,000 पुरस्कार गरेर सम्मान गरेर उहाँहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। अरू जम्मा 6 उपसमिति पनि गठन गरेँ र सबै समितिहरू उपसमितिको संयोजकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। 2074 साल माघ 21 गते प्रदेश सभाको पहिल बैठक बैसल एहि दिन वार्षिक उत्सव हरेक साल मनाओल जाइ छै। सत्तारूढ़ दल जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिवालय बैठक में संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करवाक विषय में परामर्श भेल छै। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल केंद्रीय सचिवालय बैठक में समसामयिक राजनीतिक आ सोम दिन से शुरू हो वाला संसद अधिवेशन में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करवाक विषय में परामर्श भेल छै। बैठक के विषय में जानकारी करबैत पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शरद सिंह यादव बैठक में पार्टी के संगठन आ ओडा अधिवेशन के विषय में परामर्श भेल सेहो जानकारी दिलन। ओ मधेस प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठबंधन के सहमति तोड़ला से अपना सब सरकार से अलग हो पड़ल बतौलन। हुनक अनुसार गठबंधन में शुरू के 1 जनता समाजवादी पार्टी सरकार संचालन करवा का एकर बाद जनमत आ जनमत के बाद नेपाली कांग्रेस सरकार चलेबाक सहमति भेल पर कारण नहीं भेला बाद अपना सब सरकार से बहरायल बतौलन। गतिविधिहरू त्यसको समीक्षाको लागि र द्वारा जुन सहमति भाँडिएको अवस्था छ त्यसबारे पनि छलफल भइरहेछ र समग्र रूपमा पार्टीको सङ्घीय सरकारमा सहभागिताको विश्लेषण र काम कार्यहरूको समीक्षा पनि हुँदैछ र समग्र रूपमा खास गरेर सङ्गठनको विश्लेषण गर्ने र समीक्षा गर्ने र आगामी रणनीतिहरू पार्टीको कसरी बनाउने यही सम्बन्धमा हामी चाहिँ आज चाहिँ केन्द्रित छौँ। अनि यसमा हामीले पहिले पनि प्रश्न के पारिसकेका छौँ भने प्रदेश सरकार गठन भइराख्दाखेरि एउटा जुन सहमति गठबन्धन दलहरूको बिचमा भएको थियो त्यो सहमति अनुसार 1 जसपाको नेतृत्वमा सरकार चल्ने, त्यसपछि जनमतले चलाउने र त्यसपछि लास्टमा कङ्ग्रेसले चलाउने एउटा सहमति थियो। जुन सहमति चाहिँ जसपाका साथीहरूद्वारा बाँडियो र यो सहमति पालन नगरिराख्दा यावत कुराहरू हाम्रो मन्त्रालय फुटाउनेदेखि लिएर मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाउनेदेखि लिएर हामीलाई कुनै किसिमका जानकारी नदिकन गतिविधिहरू अगाडि बढाउने र खास गरेर सप्तरीको जुन कृषि विश्वविद्यालय मधेस कृषि विश्वविद्यालयको जुन घटना घट्यो यावत कुराहरूको प्रवक्ता यादव आर मन्त्रालयको तुलनामै सङ्घीय सरकारमा अपन पार्टी सहभागी मन्त्री निक काज कऽ रहल दावी कयने छलथि। राजस्व छली के आरोप में जनकपुर धाम के बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह सहित ऊपर लगाओल गेल मुद्दा झूठ रहल कहे तो जनकपुर धाम में जुलूस निकालल गेल छे। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में रवि दिन किछ घंटा जनकपुर धाम के बाजार बंद करत व्यापारी सब जुलूस निकालने छे। व्यापारी सब ऊपर झूठा मुद्दा लगाओल गेल कहत विभिन्न निकाय में ओ सब ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छे। ओ सब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय आ प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम में ज्ञापन पत्र बुझौने छे। ज्ञापन पत्र बुझत मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव व्यवसायी सब ऊपर लगाओल गेल मुद्दा के विषय में अपना संघीय सरकार के मंत्री सब संग बुझबाक बतौलन। व्यापारी सब झूठ मुद्दा लगावला धानुषा प्रहरी के उपरीक्षक मित्रबंधु शर्मा आ बंदूक देखा कर पकड़वला प्रहरी दीपेंद्र कुमार राज ऊपर छानबीन कैल जेबाक समेत मांग केने अछि। राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलिया से दर्ता कैल गेल झूठ मुद्दा के तत्काल अनुसंधान क के बरामद कैल गेल गहना आ धरोटी रकम फिरता करा समेत ओ सब मांग कने छे। ओ सब प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी समेत कने छल। प्रहरी अपना सब संग ज्यादती कने से ओकर सबके आरोप छे।
फेरि नदोहोरियोस् उहाँहरू आफ्नो सुरक्षा व्यापारीलाई सुरक्षा दिनको लागि आतङ्क गर्नको लागि आउनु भएको छैन के हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो ज्ञापन पत्र चढाउने आन्दोलन हो यो ज्ञापन पत्रले हाम्रो प्रशासनले बुझिदिनु भयो आतङ्क है व्यापारीमाथि डरावट चाहने ताहिके विरुद्धमे हमसब खास करके अभी मुख्यमंत्री कार्यालय प्रदेश प्रहरी के कार्यालय जो DIG के आई हमसब CDO कार्यालय खास करके हमसब के एकदम मांग है कि भय रहित वातावरण में हमरा सबके व्यवसाय करे ला मिले पड़े हमरा सबके काम करके खाए वाला वातावरण मिले पड़े न कि प्रहरी से तरसाव वाला प्रहरी से दमन करे वाला प्रहरी से डराव वाला एहन कोनो भी कार्य कैल जेतै राज्य पक्ष द्वारा हमसब खुल के विरोध करबै आ से आए जर संकेतिक मात्र जे हमसब ज्ञापन कर अगर अ पर नहीं चेतै के SP के कार्रवाई नहीं होते वही घुमुआ जे तरसाव के कोशिश कल के बंदूक देखाब कोशिश कल के हथकड़ी लगा के व्यापारी के ल जाए के कोशिश कल के अगर उ नहीं चेतल तो आगामी दिन में हमसब ऐसे कड़ा आंदोलन में जा सक ऐसे भी बेसी हमसब बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह के संगे अरुण ज्वेलर्स के संचालक अरुण शाह कारीगर सब अजय शाह आ संजय शाह के चार गोटे के प्रहरी पकड़ने छल कारखाना से गहना बनाकर दुकान दिस लऽ जेबा क्रम में प्रहरी व्यवसायी के पकड़ने आ बिल रसीद खोजला बाद तखन देवा निसकला बाद पकड़ कर सीधे पथलैया पहुँचाओल गेल ओकर सबके आरोप छे चारों गोटे के बृहस्पति के साँझ में धरौटी में रिहा कैल गेल छे जनकपुर धाम साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के चारिम दिन आई सेहो विविध कार्यक्रम सब कैल गेल छे मैथिली विकास कोष के आयोजना में भ रहल महोत्सव के चारिम दिन रवि दिन पहिल कार्यक्रम विमर्श से शुरू भेल छल ई विमर्श के शीर्षक विदेश जायत मधेश राखल गेल छल विमर्श में सहभागी सब मधेशी युवा विदेश पलायन भेनाय के कारण के विषय में चर्चा कयने छल ई सत्र में बृहेश चंद्र लाल डॉक्टर सूर्यनाथ मिश्र डॉक्टर सोहन शाह देवेंद्र भट्टराय मनोहर नदाफ कौशल्या कुशवाहा परमेश मंडल आ संजोग देव सहभागी भेल छल कार्यक्रम के संचालन श्वेता सिन्हा केने छल एकर बाद मिथिला चित्रकला में समकालीनता नामक शीर्षक में परामर्श भेल छल ई शीर्षक में ई विमर्श में नागेंद्र प्रसाद पौड़ेल विजय दत्त मणि SC सुमन मुन्नी खातून कल्पना सिंह आ सविता डंगोल सहभागी भेल छल कार्यक्रम के संचालन मनीषा शाह केने छल एकर बाद भाषा के सीमा आ अनुवाद में विमर्श भेल छल ई विमर्श में डॉक्टर गंगा प्रसाद अकेला अयोध्यानाथ चौधरी निक्की प्रियदर्शनी प्रदीप बिहारी आ कंचना झा सहभागी भेल छल कार्यक्रम के संचालन सुजीत झा केने छल तहिना कऽ मैथिली संस्कृति लालित्य आ लोक संस्कार शीर्षक में सेहो विमर्श भेल छल ई विमर्श में डॉक्टर महेंद्र नारायण राम परमेश्वर कापेर प्रवीण कुमार चौधरी आ रूपा झा सहभागी भेल छल कार्यक्रम के संचालन किशलय कृष्ण कयने छल चारिम दिन सेहो नाटक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सब भ रहल छै महोत्सव अंतर्गत काल्हि अंतिम दिन सेहो विविध कार्यक्रम कयल जायत मैथिली विकास कोष आयोजन कयने ई महोत्सव माघ 22 गते सम्पन्न होयत महोत्सव में मैथिली भाषा साहित्य कला संस्कृति के संगे और समसामयिक विषय पर विभिन्न विज्ञ सब के सहभागिता में विमर्श कयल जा रहल छै तहिना नेपाल आ भारत के विभिन्न नाट्य समूह सब द्वारा नाटक सब सेहो मंचन कयल जा रहल छै आप व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार देखिए पुलिस कई लाइन छाली है पकड़ी भेले ये नो कतो भेले है करते कोई या भरते कोई की भेले पापा मोहना के पुलिस पकड़ के लगे ले या कहे छाले या जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छे ये अपन नाम के सीम दोसर साथी के देने छाले एकरे कहे छे जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा हाँ पापा ठीक है कह लिया समय में सचेत हो जाए नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी केकर सिम कार्ड अपने चलाए रहल छी से बुझा के है ते *922 हच डायल कक बुझा सके छी ए ई त हमरा बुझल है अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाही न त कखनो झमेला में पड़ सके छी यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी आ ई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है छी से हुब्बा नहीं है नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते
अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। केश हेड मजबूत, तब लागब आरो सुंदर, असली आंवला डाबर आंवला। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लो को पावर अप हरेक दिन। नया लक्स को साथ जैस्मिन को सुगंध र बदाम को तेल युक्त चमकीलो त्वचा को लागि लक्स। वैसलिन को ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचा को 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा वैसलिन प्रयोग गर्नुस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुस्। विश्राम भाव समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पहचान सहित के संहिता के नारा लग चुनाव में गेला पर सेहो जनता के साथ नहीं पौनाए दुर्भाग्यपूर्ण रहल बतौलने। आदिवासी जनजाति आयोग के तेसर वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ विक्रम संवत 2070 साल के चुनाव में अपना सब पहचान सहित के संहिता आ संहिता सहित के पहचान कहल मूल नारा लग निर्वाचन में गेल भेलो पर आदिवासी जनजातीय के साथ नहीं पौने बतौलन। ओ 2070 के निर्वाचन समाप्त होला लगले आदिवासी जनजातीय के स्थापित नेता अपना संग आदिवासी जनजातीय पहचान विरोधी के देने बतौने बतौलन। जनमत चाहिँ देखिएन, त्यसको विरुद्ध जनमत देखियो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन सकिएको लगत्तै पछि एकजना आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेता म कहाँ आउनुभयो, तपाईँहरू पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान भनेर नारा लगाउनु भयो, जनजातिले भोट जति सबै पहिचान विरोधीलाई हाले भनेर उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेको होइन। मैले के भने, यो आदिवासी जनजातिको दोष होइन, यो पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो भने। मैले प्रधानमन्त्री दाहाल आदिवासी जनजाति के श्रम आ सिप के संरक्षण आ प्रवर्धन क राष्ट्रिय आयमे वृद्धि करबाक, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम लागू करबाक, आदिवासी जनजाति के सांस्कृतिक संपदा के यूनेस्को में अभिलेखन करबाक, आदिवासी जनजाति के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधी महासंधि 169 संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र लगायत संधि अभिसंधि सब पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कर सरकार काज क रहल बतौने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे कानून के सुनिश्चितता सहित संसद से विधेयक पारित कैल जेबाक बतौलन। रवि दिन संघीय संसद भवन के अवलोकन बाद संचारकर्मी संग बात करते ओना बतौलन। ओ सोम से शुरू हो वाला शीत अधिवेशन के पूर्व संध्या में संसद भवन के अवलोकन बाद संचारकर्मी संग बात करते ओ राज्य के आवश्यक पड़ल विधेयक ऊपर आवश्यक परामर्श कह विधेयक से पारित कैल जेबाक बतौलन। ओ पारित केनाय मात्र बड़का बात नहीं हेबा कहत पारित कैल गेल विधेयक सब कार्यान्वयन करबाक उद्देश्य लक आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। ओ संसद के सौंदर्यता कहल आवश्यक विधेयक पारित भेला बाद कार्यान्वयन रहल सेहो बतौलन। ओ संसद कैलेंडर अनुसार चलल जेबा में जोर दऽ रहल सेहो बतौलन। ओ प्री बजट परामर्श के लेल कानूनी प्रबंध अध्यादेश मार्फत आयल आ सरकार आवश्यक ध्यान दऽ रहल सेहो बतौलन। यसलाई प्राप्त करने गरी यो भोलिबाट चलने अधिवेशन चल्नु पर्छ, चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रित सोचाइ त्यही नै हो। यसपालि हामीले क्यालेन्डरको आधारमा जान सकिन्छ, सबै पछिबाट प्रयत्नहरू भए तर यसपालि सबै पछिबाट प्रयत्न होस् र त्यो प्रयत्नलाई कार्यान्वयन गर्न सकौँ भनेर अहिले हामीले 15 दिनको बनाएर। सभामुख घिमरे सरकारद्वारा शीत अधिवेशनमे बिजनेस के कमी नै हेबाक जनौने सेहो ओ बताउने छलथि। संघीय संसद के दुनू सदन के शीत अधिवेशन सोम दिन से शुरू होब जा रहा है। संसद के शीत अधिवेशन शुरू होबाक पूर्व संध्या में दल सब अपन अपन तैयारी सेहो कर रहा है। कतेको दल सब आई बीच में संसदीय दल के बैठक सम्पन्न क चुकल है आ किछ के संसदीय दल के बैठक सेहो चल रहा है। दल सब संसद के ई अधिवेशन में करय वाला काज सब, दलक दिस प्रस्तुत होय वाला विषय सब तथा सांसद सब राखय वाला विषय सब के संबंध में अपन अपन तैयारी क रहा है। एमाले सुशासन के मुद्दा के प्राथमिकता के साथ उठाब लागल है। नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक पद्म गिरी सुशासन के मुद्दा के अपना सब पहल मुद्दा बनौने बतौलन। ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ संसदलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ।
त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। मुलुकलाई चाहिने असल नीतिहरू, असल कानुनहरू निर्माण गर्ने काम हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएर त्यो काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। एउटा सवाल यो हो। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ। आम युवा पुस्ताले चाहिँ नेपालले कामहरू अल्पत्र छन्, सडकका कामहरू अल्पत्र छन्, गाउँका खानेपानीका कामहरू अल्पत्र भएका छन्, स्कुलका बन्न लागेका भवन। नेकपा एमालेकी सचेतक महेश बर्दौला संसद कानून बनेबा काज पाउल जेबामे अपना सब सचेत रहल बतौलनि। ओ बीतल समयमे सरकार संसदके भूमिका विहीन बनौने कहैत अगिला दिनमे सेहो ओना कैला पर सशक्त प्रतिकार करबाक चेतावनी देलनि। यो भित्र बसेर गर्नेछौँ। संविधान कानुन गर्नका लागि अहिले पनि 39 बढी कानुनहरू तत्काल बनाउनु पर्ने अवस्था छ, तर सरकार एउटा पनि विधेयक संसदमा कानुन निर्माणको तहमा जाने गरी अगाडि बढाउन बिजनेस दिन तयार छैन। मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू आज स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै कयौँ प्रश्नहरू सिर्जना गर्ने गरी विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गरेर नेपालको मञ्च प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो। तैना सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस के सचेतक सुशील आथिंग पार्टी अपन अधिवेशन के प्रारंभ में संक्रमणकालीन न्याय संघ संबंधित विधेयक आ संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विधेयक के प्राथमिकता में राखने बतौलन। के विधेयक भन्नाले सरकारले ल्याएको चाहिँ विधेयकहरू रहे पनि कति बिलहरू सरकारले ल्याउन सक्छ त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौँ। त्यसमा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भनेको टिआरसी विधेयक छ, मनी लाउन्ड्रिङ छ, त्यसै गरी चाहिँ अरू विधेयकहरू पनि ल्याउँदैछ। आज सुरक्षण विधेयक पनि आउँदैछ। तीमध्ये पनि अहिले देखिएको चाहिँ टिआरसी विधेयक र मनी लाउन्ड्रिङ विधेयकलाई चाहिँ विशेष चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको पनि छ र अब आउने विधेयकहरू कुन कुन महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा विशेष। तहिना नेपाली काङ्ग्रेसले सांसद जीवन परियार अगिला अधिवेशनमै कानुन निर्माण काजके विशेष प्राथमिकता देल जेबामे जोड देलनि। को मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ कानुन निर्माणको कामलाई हामीले विशेष प्राथमिकताको सूचीमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अघिल्लो संसदमा चाहिँ जति पनि कानुनहरू जुन पारित गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि हामी असाध्यै क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ यो कुरा, र यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले कतिपय कानुनहरू समितिमा छलफलको विषय छलफलको रूपमा छन्, ती कानुनहरू पनि यथाशीघ्र हामीले चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, र सरकारका अति आवश्यक पर्ने कानुनहरू जो निर्माण गर्नुपर्ने छन् अझ विशेष गरी। तैना सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे अगला अधिवेशन व्यवस्थित आ विधेयक केन्द्रित बनेबाक उद्देश्य लग तैयारी कर रहा बतौलन। अलि गति का साथ हामी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने बारे में पनि सोचिरा छौं। अब यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो, विधेयक अधिवेशन भएको कारणले हाम्रो चाहिँ यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो 79 निर्वाचन भन्दा पछाडीपट्टि विधेयक त एकदम थोरै पारित भएका छन्। संसदमै जनताकै समस्या सबके उठेबाक आ सरकारकै नै सकारात्मक काज सबके चर्चा सेहो करबाक ओ बतौलनि। तहिना मन्त्री सबके सरकारक कामके विषयमे संसदमे आबिकऽ जानकारी देबऽ लगेबाक सेहो ओ बतौने छलथि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालके अध्यक्ष कमल थापा अपन पार्टी संघीय संरचना खारेज करबाक तत्कालीन लक्ष्य लेने बतौलनि अछि। देशमे कायम रहल भ्रष्ट व्यवस्थाके अन्त्य कऽ कऽ देशमे हिन्दू राष्ट्र आ राज संस्था पुनर्स्थापनाके लेल संघीय संरचनाके खारिज केनाइके विकल्प नहि रहल हुनक जिक्र छल। रवि दिन काठमाडौँमे पार्टीके सक्रिय सदस्यता वितरण अभियानके शुभारम्भ करैत अध्यक्ष थापा संघीय संरचना खारिज कऽ कऽ स्थानीय निकायके मजबूत बनबैत सुशासनके माध्यमसँ देशमे आर्थिक विकास आ सुशासन हासिल करबाक अपन पार्टीके लक्ष्य रहल बतौलनि। ओ किछु वर्ष भित्रे राप्रपा नेपालके देशक अग्रणी शक्तिके रूपमे स्थापित करबाक उद्देश्य लऽ कऽ पार्टी काममे लागल सेहो पार्टीके नेता कार्यकर्ताके निर्देशन देलनि। तहका साथीहरू र निकायहरूको जिम्मेवारी हो, त्यसतर्फ म तपाईँहरू सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। जति धेरै सक्रिय सदस्यहरू पार्टी जति बलियो भयो आगामी दिनमा त्यति नै चाँडो राप्रपा देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुनेछ। हाम्रो पार्टीको काँधमा अध्यक्ष थापा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रके भ्रष्ट व्यवस्थाके रूपमे टिप्पणी केने छलथि।
आप व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लगे अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे अब के पढ्छ डाक्टर भन्छु बेस्ट कलेजेस मा अप्लाई गरेकी छु सबै कलेज उस्तै होइनन् र हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छ नि त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु प्यारासुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरुका लागि यो तीन तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर Parachute Advanced mere lagi best. Try go favorite sunsilk shampoo. Aba bhayo ajhai ramro. Yasma cha vitamins, oils ani protein ko active mix. Jasle dincha tapai lai shiny, ghana ani sundar kapal. Super kapal har ek bar. Naya sunsilk active mix ka saath. Dada स्पीड टेक्नोलॉजी कवरेज रिलायबिलिटी अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार विश्राम बाद समाचार में स्वागत है स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत सरकार कैंसर रोग न्यूनीकरण के लिए सरकार कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक बतौलने रवि दिन विश्व कैंसर रोग दिवस के अवसर पारि कर मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बाजत मंत्री बस्नेत कैंसर रोग तत्काल उन्मूलन कर सकबाक अवस्था नहीं भेल कहत अय के न्यूनीकरण के लिए सरकार कोनो भी कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन ओ कैंसर न्यूनीकरण के लिए अपन अपन ठाम से सकल योगदान पहुँचाव से संबंधित सब निकाय के निर्देशन दिलाए कैंसर रोग यो देशबाट न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा अहिले हामी उन्मूलन तत्काल भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौ न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा धेरै ठूलो मदद मिल्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेको छु यसमा हामी आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्छौँ जति सक्छौँ कसैले खट्नु पर्ला कसैले बुद्धि दिनु पर्ला तपाईहरुले लामो लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा काम गरेर बस्नु भएका व्यक्तित्वहरु यहाँ अहिले ओ अवसरमै मन्त्री बस्नेत सरकार क्यान्सर रोग विरोध लडाके लेल एकीकृत रणनीतिक योजना बनेबाक सेहो बताउने छलथि नेपालमै कुल मृत्युके 11.11% मृत्यु क्यान्सरसँ होयताल तथ्यांक देखो लगाई छे नेपाल में कुल मृत्यु के 11.11% हिस्सा कैंसर के रहल सरकार जनवाक छे विश्व कैंसर दिवस के अवसर में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में एहि विषय में जानकारी कराओल गेल छे 2020 के तथ्यांक अनुसार जनसंख्या में आधारित कैंसर रजिस्ट्री अनुसार नेपाल में कैंसर संग संबंधित मृत्यु दर 40% अधिक रहल मंत्रालय जानकारी दिलक छे पत्रकार सम्मेलन में एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनी फेफड़ा के कैंसर आ बच्चादानी के मुँह के कैंसर से कैला से बेसी मृत्यु होत आयल बतौलन ओ नेपाल में प्रत्येक वर्ष करीब 20,000 गोटे से बेसी लोक में कैंसर पहचान होत आयल से बतौलन 2020 में कैंसर के कारण नेपाल में 16,629 गोटे के मृत्यु भेल छल दुई हजार बिसको डाटा हो त्यो त्यस पछाडिको हाम्रो ग्लोबल हाम्रो नेसनल सर्वे भएको छैन र जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री अनुसार नेपालमा क्यान्सरसँग सम्बन्धित मृत्यु दर 40% 40% बढी र मृत्यु फोक्सो क्यान्सर र पाठीघरको मुख्य क्यान्सरले हुने गर्दछ र नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 जनाभन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पहिचान हुने देखिएको छ भने 2020 क्यान्सरकै कारणले नेपालमा 16,629 जनाको मृत्यु भएको थियो र नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरूमा फोक्सो क्यान्सर पाठीघरको मुख्य क्यान्सर स्तन क्यान्सर पेटको क्यान्सर र आन्द्रा क्यान्सरहरू छन् अहिले हेर्दाखेरि सशक्ति डाटा हेर्दाखेरि करिब 20,000 नयाँ केसहरूको डिटेक्सन भएको देखिन्छ भने 16,000 मृत्यु भएको देखिन्छ र यसमध्ये मैले भनिहालेँ पाठीघरको अखन कैंसर विश्वभर मृत्यु के प्रमुख कारण में से एक है विश्व के तथ्यांक अनुसार प्रत्येक 6 गोटे में 1 गोटे के मृत्यु कैंसर से होते आयल है एक तिहाई कारक तत्व समय से खैनी जेहन पदार्थ के प्रयोग मद्यपान के प्रयोग शारीरिक निष्क्रियता रहल बताओल गेल छे बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो नमस्कार